I am a maths trainer. Today I am discussing topic Bodmer's rule. Bodmer's rule also known as simplification. तो students, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ Bodmer's rule को सही कैसे use करते हैं और उसका सही मतलब क्या है. देखिए students, इसकी Bodmer's rule को मैंने actually एक spelling लिखी है. मैंने B, पहले हम B समझते हैं इसका. B मतलब brackets होते हैं. सॉल्व करने के टाइप से मैंने लिखा है. पहले हम बार सॉल्व करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद बिग ब्रैकेट. तो फ्रेंड्स, अब हम आते हैं ऑफ पे. ऑफ यूज होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, पर वो मल्टीप्लाई से पहले हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं ऑफ को. उसके अब आता है डिवीजन. डिवीजन का मतलब भाग देना होता है, आपको पता है. और मल्टीप्लाई मतलब गुणा करना, और एडिशन मतलब जोड़ना, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना. तो स्टूडेंट्स, अब मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ. मैं देखिए, अब मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है. 14 प्लस 3 माइनस कर्ली ब्रैकेट 34 माइनस 18 माइनस 4 बार कर्ली ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 3 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट 6 ऑफ 2 प्लस 7 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 7 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज. तब स्टूडेंट्स, अब मैं करता हूँ ये. अब मैं आपको ये करके बताता हूँ. जैसे अब देखिए स्टूडेंट्स, अब Bodmer's के रूल में हम क्या करेंगे. पहले हम बार को सॉल्व करेंगे. तो हमने जो हमने बार को सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 4. तो अब हम दूसरे पे चलते हैं, क्योंकि ये जो है बिग ब्रैकेट में ये स्मॉल ब्रैकेट है. तो अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 14. अब देखिए, इसमें बचे कर्ली ब्रैकेट और इसमें बिग ब्रैकेट. तो अब देखते हैं, अब हम स्मॉल ब्रैकेट के बाद क्या हटाएंगे, कर्ली ब्रैकेट. यस, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 30 हमारा आंसर आ गया. और अब हम हटाएंगे बिग ब्रैकेट को. तो देखिए, बिग ब्रैकेट को हम अगर पहले हटाएंगे तो अब हम इसमें देखेंगे इसमें क्या पहले है ऑफ. हम इससे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि ऑफ सबसे पहले आता है, तो हम पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे. तो हमने अगर ऑफ को सॉल्व कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 12. और अब वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इसमें से यानी ऑफ को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें सबसे पहले आ रहा है इसलिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12. और अब हमारा अभी भी बिग ब्रैकेट रहेगा. तो अगर हमें घटाना है तो हमें एक और चीज करनी पड़ेगी. तो देखिए स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अगर हम इसको और इसको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 29. अब हम देख रहे हैं कि अभी भी हमारा बिग ब्रैकेट है स्टूडेंट्स, अभी भी हमारा बिग ब्रैकेट है हम देख रहे हैं. तो अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 हमारा आंसर आ जाएगा. तो अब हम देखते हैं इसमें अब वो सब चीज़ें हैं जो Bodmer's रूल के केस में होती है. तो हम देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या होगा. देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये है, देखो डी से शुरू होता है स्टूडेंट्स. तो हम पहले डिवाइड करेंगे. देखिए, अगर 3 को 30 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 10. अब हमारा बचा क्या, मल्टीप्लाई. अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे 15 को 10 में से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 150 हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स. तो अब देखेंगे, अब इसमें प्लस भी है, तो हम 14 में अगर हम 3 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आ जाएगा 17. तो अब देखेंगे, अब इसमें माइनस आ रहा है, तो अब हम देखेंगे इसमें नेगेटिव का साइन आ रहा है स्टूडेंट्स. तो हम पहले इस जगह पर हम पहले माइनस करके देखेंगे, पर हम ऐसे करेंगे. देखिए,
वन यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, हम पहले बड़ी संख्या को ऊपर रखेंगे, ये है 100 150। स्टूडेंट्स हमारा 150 आएगा नेगेटिव, नेगेटिव आया तो अब हम देखेंगे, अब हमें घटाना है 17 हमें घटाना है स्टूडेंट, तो हम इसको पॉजिटिव का निशान लगाएंगे।